साहस सरोकार। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं 75 जिलों की 75 खबरों की। आगरा के कैंट स्टेशन पर आरपीएफ की तिरंगा यात्रा का किया गया स्वागत। तिरंगा यात्रा दल में गुजरात और महाराष्ट्र के जवान शामिल। अमेठी में घर घर तिरंगा कार्यक्रम के तहत सभी घरों पर राष्ट्र ध्वज फहराया जाना सुनिश्चित। विभिन्न कार्यक्रम के माध्यम से किया जा रहा जागरूक। औरैया में आजादी के अमृत महोत्सव को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां जोरों पर। अमृत महोत्सव पर पूरे सप्ताह किया जाएगा कार्यक्रम। बलिया जिला अस्पताल में दो पक्ष में हुआ हिंसक झड़प। हिंसक झड़प पर मच गई अफरा तफरी। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। बरेली में निगम की टंकी का लिंटर गिरने से कई मजदूर घायल। घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। और यमे भाजपा कार्यकर्ताओं ने हर घर तिरंगा अभियान को लेकर कस्बे में निकाली जागरूकता रैली। रैली में जनप्रतिनिधियों ने भाग लिया। बुलंदशहर में चोरी किए हुए सामान को खुर्जा पुलिस ने किया एक घंटे में बरामद। बाइक मिस्त्री की दुकान से गेट काटकर चोरी हुई थी। देवरिया में अपने खुद की जमीन पर अवैध कब्जा हटाने के लिए पीड़ित तक पहुंचा जिलाधिकारी कार्यालय। पीड़ित को मिल रहा धमकी भरा। बुलंदशहर में चुनावी रंजिश में दो पक्षों में हुई जमकर मारपीट। मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी। गाजीपुर में 10वीं मुहर्रम के पर्व पर निकाला गया 60 फीट ऊंचा ताजिया। ताजिया के जुलूस में बड़ी संख्या में जुटे लोग। हरदोई में चुपके से विद्यालय की लकड़ी बेचने जा रहे प्रधानाध्यापक रास्ते में वन विभाग ने धर दबोचा। कन्नौज में नगर पालिका अध्यक्षों ने घर घर तिरंगा अभियान को लेकर निकाली जागरूकता रैली। भारी संख्या में लोगों ने भाग लिया। गाजीपुर में समाजवादी पार्टी तिरंगा यात्रा की हुई शुरुआत। राम गोविंद चौधरी ने यात्रा का किया रवाना। हरदोई में मजदूर को पीट पीट कर मौत के घाट उतारा। गले पर रस्सी के मिले निशान। शव के पास मिला डंडा। पुलिस जांच में जुटी। कानपुर में युवक को पुलिस वालों ने दी तालिबानी सजा। खून की उल्टी आने पर जिला अस्पताल के रेफर। मुरादाबाद में आजादी का 75वां अमृत महोत्सव को लेकर भाजपा युवा मोर्चा ने निकाली तिरंगा यात्रा। पंचायत राज्य मंत्री ने किया यात्रा का शुभारंभ। नोएडा में श्रीकांत त्यागी का महिला से माफी मांगते वीडियो वायरल। महिला को बताया अपनी बहन। प्रयागराज में ताजिया को लेकर करीब दो दर्जन लोग हाई टेंशन तार की चपेट में आकर झुलसे। करंट की चपेट में आकर चार लोगों की हालत नाजुक। शाजापुर पहुंचे पीसीएफ के चेयरमैन वाल्मीकि। पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में जिला सहकारी बैंक के चेयरमैन बुके देकर किया स्वागत। सोनभद्र में अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत चलाए जा रहे हर घर तिरंगा अभियान। पुलिस द्वारा आम लोगों को राष्ट्रध्वज वितरण किया जा रहा। गोरखपुर में कैबिनेट मंत्री संजय निषाद को मिली जमानत। 2015 में हुए आरक्षण आंदोलन से जुड़ा मामला। आरक्षण की मांग को लेकर किया था आंदोलन। देवरिया में कैदी भाइयों को राखी बांधकर छात्राओं की खिलौने चेहरे। छात्राओं ने बंदियों को राखी बांधकर सलामती की दुआ की। शाजापुर में निकाली गई विशाल तिरंगा यात्रा। भाजपा नेता अरुण गुप्ता के नेतृत्व में निकाली गई तिरंगा यात्रा। सोनभद्र में क्राइम ब्रांच एवं थाना रॉबर्ट्सगंज पुलिस को मिली बड़ी सफलता। 150 ग्राम हेरोइन के साथ दो नफर तस्कर गिरफ्तार। अयोध्या पहुंचे आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल। मंत्री ने शहर के गांधी आश्रम से तिरंगा यात्रा बाइक रैली को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। नोएडा में प्राइवेट नौकरी को लेकर पति पत्नी में हुआ खूनी विवाद। पति ने अपनी पत्नी को उतारा मौत की घाट। अलीगढ़ में मजदूर के साथ मारपीट करने वाले भाजपा नेता पर मुकदमा दर्ज। पुलिस ने हिरासत में लिया। अंबेडकर नगर में कलयुगी बेटे ने मां को उतारा मौत के घाट। ईंट से कूच कर बेटे ने की मां की हत्या। हत्या करने के बाद बेटा हुआ फरार। अलीगढ़ में दुकानदारों ने युवक को बेरहमी से पीटा। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ दुकानदार की लूट का वीडियो।
रामनगरी अयोध्या में गौशाला बनी मवेशियों की कब्रगाह, मरे मवेशियों को नोच रहे कुत्ते, भूख प्यास से मर रहे मवेशी। बुलंदशहर में मुहर्रम ताजिए के जुलूस के दौरान हुआ हादसा, परिषदीय स्कूल की छत की छज्जा गिरने से आधा दर्जन से अधिक लोग घायल। देवरिया में एसटीएफ और पुलिस को मिली सफलता, जनपद में तेंदुए की खाल व्यापार करने वाले एक तस्कर को किया गिरफ्तार। अलीगढ़ में तिरंगा रैली के नाम पर मच रहा हुड़दंग, तिरंगा बाइक रैली में दंपत्ति को मारी टक्कर, हादसे में महिला को आई गंभीर चोटें। फरुखाबाद में कांवड़ियों पर दबंगों ने किया हमला, बदायूं मार्ग पर कांवड़ियों पर दबंगों ने की पत्थरबाजी, पुलिस जांच पड़ताल में जुटी। गोंडा ने पुलिस अधीक्षक आकाश तोमर ने जनहित और प्रशासनिक हित में पुलिसकर्मियों का किया स्थानांतरण, न्यायालय सुरक्षा में की गई सबसे ज्यादा तैनाती। हमीरपुर में अराजक तत्वों ने मंदिर में रखी काली मां की मूर्ति को अराजक तत्वों ने हथौड़े से तोड़कर किया खंडित, ग्रामीणों में भारी आक्रोश। कानपुर में बारिश के चलते चमनगंज थाना क्षेत्र में बने घर की छत गिरी, जर्जर मकान की छत गिरने से तीन घायल। लखनऊ में स्कूल के खेल में एक और अधिकारी निलंबित, तत्कालीन जिला विद्यालय निरीक्षक अमरकांत सिंह हुए निलंबित। ग्रेटर नोएडा में मामूली विवाद के चलते चले लाठी डंडे, मामूली विवाद के चलते हुआ था झगड़ा, मारपीट की सारी घटना मोबाइल में कैद। अलीगढ़ के नेशनल हाईवे पर मिला अज्ञात व्यक्ति का शव, मौके पर पहुंची पुलिस, नेशनल हाईवे पर शव मिलने से इलाके में फैली सनसनी। गोंडा में एक ही समुदाय के दो पक्षों में जमकर हुई मारपीट, एक दूसरे पर तलवार से किया वार, मारपीट में एक महिला पुरुष घायल। कानपुर में टेक्सटाइल मिल की दीवार गिरने से एक लोगों की मौत, दो लोग घायल, नगर निगम की बड़ी लापरवाही आई सामने। कानपुर सेंट्रल स्टेशन पर हेड टीटी को दो सिपाहियों ने जमकर पीटा, टीटी को आई गंभीर चोटें। हमीरपुर में भारतीय जनता पार्टी की भव्य तिरंगा झंडा रैली, पार्टी पदाधिकारी और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता रहे शामिल। कानपुर के जेड स्क्वायर मॉल पहुंची नगर निगम की टीम, बकाया हाउस टैक्स नहीं जमा करने पर मॉल सील करने की दी चेतावनी। वाराणसी पहुंचे राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र, कहा बिहार में जो उथल पुथल चल रही है वो स्वयं लोग ठीक करेंगे। रामगोपाल ने भाजपा पर साधा निशाना, इटावा सभा कार्यालय पर पहुंचे प्रोफेसर रामगोपाल, भाजपा के कामों को बताया संदिग्ध। शामली में निकाली गई तिरंगा रैली, जल शक्ति राज्य मंत्री दिनेश खटक ने लिया भाग, लोगों से तिरंगा फहराने की अपील। भदोही में सीएम ने हीमोडायलिसिस सेंटर का वर्चुअली किया शुभारंभ, एक दिन में 12 मरीजों को हो सकेगा डायलिसिस। कानपुर देहात में बीजेपी ने निकाली तिरंगा यात्रा, प्रदेश उपाध्यक्ष बोले देश को एक सूत्र में बांधने के लिए जन जागरण आवश्यक। कानपुर में कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव को हार्ट अटैक, सुबह ट्रेडमिल पर रनिंग करते समय गिरे, भतीजे ने बताया एम्स दिल्ली में भर्ती। ललितपुर में भाजपाइयों ने निकाली तिरंगा यात्रा, श्रीकांत त्यागी को लेकर सांसद सुब्रत पाठक बोले जो गलत करेगा वो भरेगा। देवरिया के रेवती में युवक की पीट पीट कर हत्या, जिला अस्पताल में परिजनों ने जमकर मारपीट की, लेन देन को लेकर चल रही रंजिश। झांसी में महिला ने फांसी लगाकर जान दी, बीमारी से परेशान रहती थी, पति के मंदिर जाने के बाद बच्चियों को खेलने भेजकर उठाया कदम। चंदौली में विश्वकर्मा समाज के लोगों ने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से की मुलाकात, अपनी समस्याओं को सुनाया। गोंडा में स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा नीतीश ने चला चरखा दाव, देवरिया में आए पूर्व मंत्री ने सदस्यता अभियान में लिया भाग। फिरोजाबाद में असोम की युवती से सोशल मीडिया पर दोस्ती, फिर दुष्कर्म, खुद को दरोगा बताकर की थी दोस्ती। चित्रकूट में निकाली गई तिरंगा यात्रा, मंत्री सहित भाजपाइयों ने तिरंगा यात्रा में उड़ाई यातायात नियमों की धज्जियां। आगरा में कलेक्ट्रेट पर मुस्लिमों का प्रदर्शन, दरगाह गायब होने का मामला गरमाया, जुलूस के रूप में पहुंचे शिकायत करने। हरियाणा राशन डिपो के मैसेज पर सांसद वरुण गांधी का ट्वीट, बोले तिरंगे की कीमत गरीब का निवाला छीन कर वसूलना शर्मनाक।
अमरोहा में रन थ्रू ट्रेन से गिरा बदायूं का युवक, गेटमैन को मिली सूचना, गंभीर हालत में हायर सेंटर रेफर। किराया न देने पर आंगनबाड़ी केंद्रों पर बंदी का खतरा, मुजफ्फरनगर शहरी क्षेत्र के आंगनबाड़ी केंद्र भवनों का 20 माह से नहीं दिया गया किराया। श्रावस्ती में आग से झुलसकर दुकानदार की मौत, गैस लीक से कपड़े में लगी आग, फिर पेट्रोल से दहकने लगा। हमीरपुर में महिला ने युवक को कॉलर पकड़कर ले गई थाने, दो युवकों ने कुछ दिन पहले की थी टप्पेबाजी, महिला ने घूमते देखा तो पकड़ा। उन्नाव में तिरंगा यात्रा में शामिल हुई राज्य मंत्री, हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाने की अपील, देशभक्ति गानों पर थिरके युवा। गांव गांव तक पहुंचेगा तिरंगा झंडा, अंबेडकर नगर में आजीविका मिशन की महिलाओं ने रैली निकाल कर तिरंगा झंडा लगाने के लिए प्रेरित किया। जौनपुर में 15 अगस्त के बाद जेल से शिफ्ट होंगे 100 कैदी, 5 साल में बन जाएगी नई जेल, क्षमता से 4 गुना कैदी है बंद। जालौन में महिला ने फांसी लगाकर दी जान, घर पर नहीं था कोई मौजूद, आत्महत्या के कारणों का नहीं चला पता। झांसी में मंत्री स्वतंत्र देव सिंह के नेतृत्व में निकाली गई तिरंगा यात्रा, यातायात नियमों को ताक पर रखकर देशभक्ति की अलग जगाने निकले भाजपा। फतेहपुर में निजीकरण के विरोध में पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों का प्रदर्शन, निजीकरण का फैसला वापस लेने की मांग। भदोही में रेलवे ट्रैक के किनारे मिला युवक का शव, पोस्टमार्टम को भेजा गया शव, नहीं हो सकी शिनाख्त। सिद्धार्थनगर में हर घर जल उत्सव कार्यक्रम का आयोजन, लोगों को किया गया जागरूक, साफ सफाई को लेकर दी गई जानकारी। जालौन के उरई में बने ऐतिहासिक महिला तालाब का होगा जीर्णोद्धार, लोग ले सकेंगे वोटिंग का आनंद, डीएम ने सफाई कराने के निर्देश दिए। चित्रकूट पुलिस ने डकैती का किया खुलासा, सराफ व्यापारी के पास लुटेरों को पुलिस ने तमंचा सहित किया गिरफ्तार, 3 फरार। औरैया में एसपी ऑफिस पहुंची छात्राएं, पुलिस अधिकारियों और सिपाहियों को बांधी राखी, एसपी ने दिया सुरक्षा का भरोसा। पिछहत्तर जिलों की 75 खबरों में फिलहाल इतना ही, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी।